नमस्ते दोस्तों, गंगा इंडियन फूड चैनल में आप सब स्वागत है। दोस्तों चलते हैं हम खेत में, तो खेत में हमारे मुरई है, तो आज मुरई हम उपार के आज अचार बनाएंगे, तो चलते हैं खेत में। तो देखिए हम खेत में आ गए हैं, अब चलते हैं मुरई उपारें। देखिए धनिया है खेत में और डूढ़ी का मुरई बोए है ये। तो देखिए इसी तरह से मुरई भई है, तो हम एक एक उपाल लेते हैं मुरई की। मुरई को उपाल लेते हैं, अब बहुत आसानी से ऊपर जाता है मुरई। तो देखिए इसी तरह से हम सब मुरई उपाल लेते हैं। देखिए मुरई हम अपने ज़रूरत तक के उपाल लिया है, पांच मुरई है और उसके हम एक गाड़ी में रख लेते हैं और चलते हैं अब घर हम। देखिए हम ही अब मुरई को धो लेते हैं, मुरई को हम साफ कर लिया है, अब इसके हम धो लेते हैं अच्छा से। देखिए हम खूब बढ़िया से अच्छा से साफ पानी में मुरई के धो लिया है अच्छा से, और ताज़ा मुरई है और इसी मुरई का अचार बनाए तो अच्छा रहता है। मुरई के हम तगाड़ी में धाई लेते हैं, अब चलते हैं हम घर। घर चलते हैं, देखिए कितना अच्छा फूल खुला है और कितना पीला पीला भी लग रहा है और मौसम भी बहुत अच्छा हरा भरा लग रहा है। मुरई लेके हम घर आ गए हैं, अब इसके मुरई हम रख देते हैं। तो देखिए अब हम मुरई का इसके पाती तोड़ देते हैं, तोड़ के निकाल देते हैं। इसी तरह से हम सब पत्ती तोड़ देते हैं मुरई के। मुरई पत्ती हम खाई देते हैं गाय खाए। तो मुरई के हम काट लेते हैं अचार बनाने के लिए, आप चाहे तो गोला काट सकते हैं। इसी तरह से हम लंबा लंबा काट लेते हैं, हमें लंबा भी पसंद है, तो इसी तरह से हम काट लेते हैं अचार के लिए मुरई। आप चाहे तो गोला गोला भी काट सकते हैं, आप इसी तरह से काट सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से हम सब मुरई काट लिया है। एक चम्मच सब मुरई में नमक डाल देते हैं, इसके अच्छा से हम मिला लेते हैं। मुरई में हम नमक अच्छा से मिला लिया है, अब इसके हम एक थरिया से तोप देते हैं, आधा घंटा तोप देते हैं, आधे घंटे बदे जब ने मुरई में अच्छा पानी छोड़ दे। तो देखिए मरचा के हम धोई के इसके पानी सुखवा दिया है, अब इसके हम डंठल तोड़ लेते हैं। इसी तरह से सब तोड़ के रख देते हैं। तो देखिए मरचा का डंठल हम तोड़ लिया है, अब इसके हम दो टुकड़ा काट लेते हैं। बड़ा मरचा है तो इसीलिए हम दो टुकड़ा में काट लेंगे। मरचे के हम फाड़ लेते हैं, दो भाग में कर लेते हैं। देखिए मरचा के हम सब काट के रख लिया है मरचा के, अब मुरई भी देख लेते हैं, आधा घंटा हो गया है मुरई हमारा। तो देखिए मुरई में पानी छोड़ दिया है अच्छा से, तो इसी में से मुरई दूसरे थाली में रख देते हैं। तो देखिए मुरई भी नरम हो गई है।
देखिए मुरई भी निकाल लिया है, दूसरे थाली में रख दिया है, मरचा भी काट लिया है। अब चलते हैं हम धूप में सुखाएंगे। तो देखिए हम धूप में आ गए हैं छत पर, के हम धूप में ढाई देते हैं मरचा के। अब मुरई हम दूसरे थाली में और रख देते हैं। तो देखिए मुरई हम धूप में डाल दिया है, आप चाहे तो पंखा के नीचे भी सुखा सकते हैं इसका पानी। इसका पानी अच्छा से 2-3 घंटा तक सुखा लेंगे तब हम अचार बनाएंगे। अचार बनाने बदे हम मसाले कुछ ले लिया है, तो धनिया 2 चम्मच ले लिया है, 2 चम्मच जीरा ले लिया है, सौंफ 2 चम्मच ले लिया है, 1 चम्मच मेथी ले लिया है, मेथी दाना कलौजी 1 चम्मच ले लिया है, और सरसों ले लिया है 2 चम्मच, काली मिर्च ले लिया है 1 चम्मच, राई का तेल ले लिया है हम, और कढ़ाही हम धई दिया है चूल्हा पर गरम हो बदे, तो इसी में मसाला हम भूजेंगे। तो देखिए हम डाल देते हैं धनिया, डाल देते हैं काली मिर्च, डाल देते हैं। तो देखिए धनिया हमार चिटक रही है और धनिया हो गई है। अब धनिया हम निकाल लेते हैं, अब धनिया हम एक थाली में निकाल लेते हैं, सौंफ को डाल देते हैं, मेथी डाल देते हैं, अब जीरा हम डाल देते हैं, तो देखिए हमारा जीरा चिटकने लगा है, चिटक रहा है कुल मसाले मेथी वेथी सब, तब हम निकाल लेते हैं एक थाली में इसी में। अब हम कलौंजी भूज लेते हैं, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं कटोरिया में। सरसों का तेल हम गरम कर लेते हैं, तो देखिए तेल हमारा गरम हो गया है, तेल में से धुआं भी निकल रहा है, तो गैस के हम बंद कर देते हैं। मसाले हमारा ठंडा हो गया है, अब मसाले हम सिल बट्टे पर धाई के पीस लेते हैं। तो देखिए मसाले का हम इसी तरह से सब पीस लेते हैं। मसाले के थोड़ा दरभरा रखें तब मसाला अच्छा रहता है अचार में। तीसरे मसाला में हम सरसों डाल लेते हैं, सरसों पीस लेते हैं दरभर। तो देखिए मसाला पीस लिया है, इसी तरह सब पीस लिया है मसाला, अब ज़्यादा महीन नहीं पीसा है ना ज़्यादा मोटा, थोड़ा दरभर रखें तो अच्छा रहता है। इसे हम कटोरी में रख देते हैं, मसाला को उठा लेते हैं सिल्वर से। तो देखिए मुरई हमारा अच्छा से सुखा गया है, इसका पानी सब नरम भी हो गई है, मुरई सूखा हो गई है सब, और मिर्चा भी सुखा गया है, और मुरई अच्छा से सूख गया है। तब इसी में हम एक कई मिला लेते हैं, इसके अच्छा से मिला लेते हैं। तो जो मसाला हम पीस के रखा था उसी मसाला हम डाल देते हैं। तो हल्दी पाउडर हम 1 चम्मच डाल देते हैं, तो कश्मीरी मिर्चा लाल इसके हम डाल देते हैं, इसके डाले से अच्छा इसका कलर भी लगत अच्छा लगत है, तीखा तो नहीं रहता है ना, देखने में सुंदर भी लगता है। अमचूर पाउडर है इसके हम डाल देते हैं 2 चम्मच है, कलौंजी भी डाल देते हैं जो भूज के रखा था, अब इसके भी डाल देते हैं, हींग भी डाल देते हैं 1/2 चम्मच से थोड़ा सा, नमक भी डाल देते हैं, नमक भी ज़्यादा अचार में ज़्यादा भी रहता है तो अच्छा रहता है, बगदता नहीं है।
तो इसीलिए हम ज़्यादा ही नमक डालेंगे। इसी में हम 2 चम्मच सफ़ेद सिरका डाल देते हैं। सिरका डालने से बगदत नहीं अचार, बहुत दिन चलता है अचार। इसी में हम तेल डाल देते हैं, जवन तेल चुराई के रखा था ठंडा हो गया है, तो इसी में हम तेल डाल देते हैं। तो अचार के हम अच्छा से मिक्स कर लेते हैं, मसाले हम अच्छा से मिला लेते हैं तेल मसाले के। तो हम थोड़ा सा और तेल डाल देते हैं अचार में। अचार हमारा बन गया है, अच्छा से मिला लिया है और अचार में अच्छा से महक भी बहुत बढ़िया महक रहा है अचार हमारा। इसी तरह से अचार बनाए तो खाने में बहुत अच्छा रहता है। ये हम एक प्लास्टिक डब्बा ले लिया है, तो आप कांच का ले सकते हैं, कांचे को अच्छा रहता है अचार। तो इसी में हम अचार भरेंगे। इसी में हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, तेल डाल के इसके डब्बा को हम चारों तरफ लगा देते हैं और इसी में अचार भरेंगे हम। तो देखिए इसी में हम अचार भर लेते हैं। तो देखिए हम डब्बा में अचार के भर लिया है अच्छा से, और इसी में हम थोड़ा सा तेल ऊपर से और डाल देते हैं। तो देखिए अचार हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इसी डिब्बा में हम ढक्कन लगा देते हैं, एक बीच बीच में धूप दिखाई दें और डिब्बा भी हिलाए दें और इसी तरह से बनाएं तो खाने में बहुत स्वादिष्ट बहुत टेस्टी रहता है। और आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब के लिए धन्यवाद।